हिमाचल प्रदेश के लिए बीते कल का दिन ऐतिहासिक बना है, जब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने ऊना जिला के अम्ब इंदौरा रेलवे स्टेशन से दौलतपुर चौक तक 16 किलोमीटर नव निर्मित रेल लाइन को देश व प्रदेशवासियों को समर्पित किया। उन्होंने अम्ब इंदौरा रेलवे स्टेशन से दौलतपुर चौक के लिए रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्वयं रेलगाड़ी से सफर करते हुए दौलतपुर चौक पहुंचे। दौलतपुर चौक पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने अम्ब इंदौरा रेलवे स्टेशन से अम्ब इंदौरा स्टेशन पर विस्तारित प्लेटफॉर्म संख्या 1 ऊना हिमाचल स्टेशन पर नई वित्तीय श्रेणी राष्ट्र को समर्पित किया। इसी दौरान उन्होंने अम्ब इंदौरा स्टेशन पर नया पैदल पार पथ ऊना हिमाचल स्टेशन पर नया पैदल पार पथ एवं प्लेटफॉर्म संख्या 2 तथा अम्ब इंदौरा दौलतपुर चौक सेक्शन के विद्युतीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलवीर चौधरी तथा राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि इस रेल नेटवर्क को वर्ष 1982 में स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा 16 बड़े पुलों का निर्माण करते हुए इस पर लगभग 335 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक इस रेल नेटवर्क को मुकेरियां तलवाड़ा तक पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुकेरियां तलवाड़ा रेल नेटवर्क के विस्तार पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे तथा अगले 2 माह के भीतर इसकी टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जमीन अधिग्रहण पूर्ण कर लिया है, जबकि पंजाब क्षेत्र में भी जल्द भूमि अधिग्रहण कार्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दौलतपुर चौक को रेलवे सुविधा से जुड़ जाने के कारण जहां इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। देखिए, मुझे लगता है कि कोई गठबंधन नरेंद्र मोदी की आंधी को रोक नहीं पाएगा, और हम तो चाहते थे कि सब मिलकर एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन लग रहा है कि वहां महागठबंधन नहीं, जो छोटे गठबंधन बन रहे हैं। और 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, 73 सीटें पार्टी और सहयोगी पार्टियों ने मिलकर के जीती, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो संख्या 74 हो। सर, आजादी के बाद हिमाचल में रेल विस्तार बहुत कम हुआ है, जब रोड के रेल लाइन की बात की जाए ऊना जिला ही उसमें कवर हो पाया। ये सच है कि हिमाचल की रेलवे की दृष्टि से काफी उपेक्षा हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार ने रेलवे के निवेश को हिमाचल में 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। कई रेलखंड हमने खोले हैं, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण परियोजनाओं को पूरा होने में थोड़ी देर होती है, लेकिन अनेक परियोजनाएं हमारी सरकार शुरू कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश का रेल नेटवर्क भी देश के बाकी प्रदेशों के रेल नेटवर्क की तुलना में बराबरी में आ सके। अभी तो आज पहली बार आई है, दौलतपुर का स्वागत करिए, भविष्य में इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता क्या। मैं समझता हूँ।